राम राम। नमस्कार साथियों, तो आज एक बढ़िया धार्मिक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो निजी अनुभव है, लोगों के बताए हुए अनुभवों के आधार पर है, तो हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। फिर भी जो बातें प्रचलित है, कहीं ना कहीं चमत्कार है, उसी बातें बाहर निकल के आती। तो मैं अभी आयड हूँ मेड़ता सिटी के गाँव गगराना में, तुम्हारे लाल आठी खेजड़ो देख रहे हो। तो लोग आयड़ी परंपरा है कि खेजड़ आप देखो अटीना एक जड़ है, बहुत पुरानो, सैकड़ों वर्ष पुरानो खेजड़ो बतावे। तो जका बच्चा वगैरह ने खांसी चाले, जका ने अपने लंबी खांसी जो कुकर खांसी कहवा, जिन्हें अपन मारवाड़ी में कुत्ता खांसी भी कहवा, बा वाली खांसी है। तो अठीकर भी नीचा अगर जड़े निकल और फेरी लगावे तो लोग कहे वह खांसी ठीक हो जावे। तो मैं भी आज अटा आयड हूँ, तो मैं भी क्यों इस तरह की जानकारी है, तो बाकी लोगों ने भी होनी चाहिए। आ जानकारी निजी अनुभव है और जो का लोग है बेड़ो बताए अनुभव साथ आप शेयर करिए। का शुभ नाम आप रो? मारो नाम चुनलाल है। चुनलाल जी, आप रे गगराना में नेटे हरिजना बस्ती में एक खेजड़ो है जका जड़ नीचा निकले के खांसी ठीक हो जावे, कहीं बात अच्छी है? अच्छी है। किता भर चल रही है? कई साल हो मारे हम समझाई में। हम जी अस्सी साल हो, तो अस्सी साल आदन खेजड़ो एडो यो बीटे मारो एडो जो हो तो। तो ओ खेजड़ो करीब 400-500 साल पुराना है। पुराना तो अब आगे तो मन ठाको नहीं माता एडो ही देखियो। आप एडो ही देखियो। किता लोग अटावे? घणे आवे। इलाज भी होतो लो खांसी रो? अच्छा। और कीट ये भोमगा में सही इलाज है वे ओ सब खूब खूब वाले गांव रे मई के टाइम आवे जन जमु बढ़िया रे होरे दादो होरे बारे निकले जड़े आदो होरे बारे आदो महीने मतलब सुबह सुबह जल्दी आवे जन सुबह जल्दी आ किता लोग आवे आटे लगभग घणे आवे दबो आवे इलाज वे हां। आप रो का नाम है? मारो नाम गजे सिंह। गजे सिंह कितने कितना साल हूं लगभग गजे सिंह जी आपने देखता है? मैं तो 50 भर होगा सब 50 भर आएगा देखता 50 भर हूं। इस प्रकार के लोग आवे इस तरीके की स्थिति है। तो आप इस धाम रे बारे में जानकारी रखो, तो आ है गगराना रे मायने हरिजन बस्ती हरिजन समाज का जका शमशान है, शमशान मायने बहुत पुरानो वो खेजड़ो है। और इधर साथ ही जैन मैं बार सुनी के मेड़ता सिटी का नहीं एक दामणिया गांव है, बटे भी इस प्रकार की खेजड़ी जगह जड़ के नीचा निकले तो खासी बात ठीक हो जावे। हालांकि आज साइंस को युग है और चिकित्सा पद्धति भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये धार्मिक जो काफ़ी सालों से पीढ़ियों से चली आ रही है उनका कहीं ना कहीं चमत्कार जरूरी है। क्योंकि पढ़े लिखे साइंटिस्ट जो विश्वास रखते हैं, साइंस में विश्वास रखते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं इलाज से परेशान होके, क्योंकि ये खांसी ऐसी है लंबे समय तक चलती है, तो लोग कहीं ना कहीं धार्मिक रूप में भी यहाँ आके अपनी मन्नत लेके आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। उसी वजह से आज ये हजारों सैकड़ों वर्षों से जीवित है। बिल्कुल छोटी छोटी दामें हैं लेकिन बहुत चमत्कारिक दामें हैं, और ये अपने विशेषकर मारवाड़ी अंचल में ये परंपराएं हमेशा से चली आ रही है और लोग बड़े मन और भावना से इनको मानते हैं। तो आप ही आपके आसपास में इसी प्रकार की कोई छोटी धाम है जिसका नाम प्रचलन में नहीं है लेकिन बहुत चमत्कारी के, आप मुझे कमेंट जरूर करें। मैं प्रयास करूंगा कि वहां तक पहुंच के उस धाम को लोगों के सामने और ज्यादा प्रचारित करने का पूरा। कब्रिस्तान है कि? हाँ कब्रिस्तान। कब्रिस्तान हरिजन बोम का है। अच्छा, चढ़ा वडो कहीं चढ़े के चढ़ा चढ़ा वो कपड़ा दान ने को बाकी की चढ़ाओ नहीं चढ़े। और कटो कटो लोग दूर दूर आवे लोग कोई कई जगह आवे। आप शुभ नाम? कृष्णा राम। कृष्णा राम, आप निजी राय है और आप भी अपना विवेक को जरूर काम लीजिए। मारा उद्देश्य है कि छोटी छोटी जगह धाम है, छोटी छोटी जगह रीति रिवाज है और जो कि ये चमत्कारिक धाम कह सका। आप देख पा रहे हो खेजड़ो काफ़ी लंबा समय और पुरानो है, सके करीब 100-150 साल पुरानो खेजड़ो भी हो सके इस प्रकार का लोग आप बतावे। तो आ जानकारी आपने बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दियो। मैं इस प्रकार की छोटी छोटी छुपी छुपी जो कि धाम है, जगह स्थान है, जगह आप साथ शेयर करने को पूरा प्रयास करूँगा। जय जवान जय किसान।